नमस्ते दोस्तों, मैं नव्या रावत न्यूज रिपोर्टर आपके साथ जुड़ी रहूंगी। मैं आज आपको ऐसी घटना के बारे में बताऊंगी। मजा आएगा। तो हुई थी ऐसी घटना जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो इसी रास्ते में, इसी सड़क में मैं आपको बताऊंगी वो घटना, तो देखते जाइए। यही है वो फूल जो उस रात बॉय गए थे और उसी रात वो बॉय और उसी टाइम उग गए। ये कैसा हो सकता है? ये इंसिडेंट इतना खतरनाक है कि अब आप भूतिया मानो इसे या फिर भगवान की दुआ मानो, इतना अच्छा इंसिडेंट हमने कहीं नहीं देखा। तो देख सकते हैं आप इतने प्यारे प्यारे फूल उगे उसी रात को, और इतने प्यारे फूल कहीं दोस्तों। और मैं फूलों के बारे में अभी आपको बता रही थी, और अब मैं आपको इस कुर्सी के राज बताऊंगी। ये कुर्सी वही कुर्सी है जिस दिन ये कुर्सी लाई थी, उसी दिन इसे रिपेयर करी थी, उसी दिन ये हिलने लगी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो ये एक जुड़ी रिपेयर नहीं हुई थी ढंग से, या फिर ये भूतिया हरकत है। अगर आपको लगता है कि ये रिपेयर नहीं हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ उसी रात ही स्क्रैचेस इसमें कैसे बढ़े, ये निशान आपको कैसे दिख। गाइस, मैं इस बात को यकीन नहीं कर रही थी, पर गांव वालों से जो मैंने सुना उसके बाद मेरे कान भी भैरे होने के लिए रुक गए थे। गाइस, आई एम वेरी वेरी ओह माय गॉड। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। आपको लग रहा होगा मैंने ये खंबा क्यों पकड़ा है, इसलिए क्योंकि ये खंबा भी एक राज की बात है। उस दिन जिस दिन वो चुड़ैल आई थी, उस दिन इसी खंबे को उसने टच किया था और ये लाइट ऐसी डीम हो चुकी है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मैं आपको बताती हूँ वो लाइट डीम क्यों हुई थी, क्योंकि चुड़ैलों की लाइटों के साथ नहीं रहती है और इतने अंधेरे में आती है वो, और तो लाइट उसने डीम कर दी थी, तो वो लाइट के सहारे नहीं आ सकती है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि ये लाइट डीम क्यों हुई। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये खंबा क्यों हुआ था डीम। जैसे कि आप सभी को मैं बता देती हूँ कि ये खंबा इसलिए डीम हुआ था क्योंकि इस रात को चुड़ैल ने इसको टच किया था। गाइस, इन गांव वाले से मिलाऊंगी, माफ करना हमारे पास माइक नहीं है, तो आपको आवाज नहीं आ रही होगी, तो माफ कर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को मिलाऊंगी इन गाँव के लोगों से, और इनका प्यार भी दिखाएंगे आपको आपके प्रति। तो ये रहे मेरे गांव वाले जो यहाँ छत पे बैठे। नमस्ते भाई जी। बताऊंगी इन गांव वालों की सच्चाई जो इनके मुंह से निकलने वाली है आज। तो ये लड़की बताएगी हमें। तो यहाँ रात को उस दिन क्या हुआ था? आप सॉरी माइक इतनी खुशी यहाँ पे एक कुर्सी पे कैक पड़ा था, तो ये सारी गाँव, ये खंबा, ये लोग थोड़े पागल हैं क्योंकि इनके साथ वो घटना हुई है, उसके बाद से ये हम, अब अगर हम जितना यहाँ पे रहेंगे उतनी हमें हट करेंगे, तो हम यहाँ से निकलते हैं पहले। इस बच्चे को मैंने इस वीडियो में लाया, परंतु ये रो रहा था इस रास्ते में, तो मैंने इसे उठा लिया। आप डरिए मत कि बच्चे किसका रूप है, तो ये भगवान का रूप है। बच्चे के रूप में एक भगवान आए हैं। तो हेलो करो। ओ कोई बात नहीं।